व्हाट्स अप गाइस, तो कैसे हैं आप लोग गाइस। आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप Realme के किसी भी मोबाइल में कैसे आप फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हो। और यहां पर गाइस मैं सबसे आसान और नया तरीका लेकर आया हूं, जिससे गाइस आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। तो वीडियो में गाइस काफी मजा आने वाला है, वीडियो को एंड तक देखना। और अगर आपने हमारे इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को जरूर से लाइक करना। साथ ही चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे भी पाने के लिए। साथ ही गाइस वीडियो में कमेंट भी करना है आपको, आप कौन से मोबाइल को अभी तक यूज कर रहे हैं, आपको अपने मोबाइल का नाम लिखकर हमें कमेंट करना है। साथ ही गाइस इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले इसके लिए आपको करने क्या है, अपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाना है। तो यहाँ पर चलिए मैं सेटिंग्स ओपन कर लेता हूँ। सेटिंग्स ओपन करने के बाद गाइस आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है इस पेज पर। तो इस पेज पर गाइस आपको एक ऑप्शन नजर आएगा सिक्योरिटी के नाम से, आपको इस पर क्लिक करना है। और ये प्रोसेस गाइस आप किसी भी Realme के मोबाइल में यूज कर सकते हैं, किसी एक मोबाइल पर मैं आपको नहीं बताने वाला हूं। तो सिंपली गाइस जैसे ही आप इस पेज पर आओगे आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है। यहां पर गाइस आपको एक ऑप्शन नजर आएगा फिंगरप्रिंट, आपको इस पर क्लिक करना है। तो गाइस जैसे ही आप क्लिक करोगे कुछ इस तरीके से यहां पे आप इंटरफेस नजर आएगा आपको। यहां पे देख सकते हो काफी बेहतरीन इंटरफेस है गाइस। तो यहां पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको नेक्स्ट बटन मिल रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही गाइस क्लिक करोगे आपको सबसे पहले बताया जाएगा कि आपको अपने मोबाइल के बैक साइड में जो कि आप यहां पे सेंसर देख रहे हैं अपने फिंगर को रोल आउट करना है। तो चलिए मैं यहां पे आपको लाइव करके दिखाने वाला हूं, जो कि आप देख सकते हो यहां पे। तो यहां पे स्क्रीन पर आप देख सकते हो फिंगरप्रिंट ले रहा है ये हमारा। तो यहां पर गाइस कंप्लीट होने वाला है, हो चुका है गाइस कंप्लीट। तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है गाइस, डन बटन पर क्लिक कर देना है और सिंपली गाइस आपका फिंगरप्रिंट लॉक लगकर तैयार हो चुका है। अब गाइस आप फेस लॉक या पैटर्न लॉक के अलावा फिंगरप्रिंट के जरिए भी आप अपने मोबाइल को अनलॉक कर सकते हैं। तो आज का यह ट्रिक गाइस आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे भी पाने के लिए। तो चलिए गाइस मैं मिलता हूं इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाए।